मम्मी को बहुत तेज है, तो दवाई लेके आ गए। मम्मी फिलहाल कर रही है आराम, सब एक साइड से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि यार हमारे घर में तो फिलहाल कोई भी बढ़िया नहीं है, तो बीमार चल रहे हैं। तो ये दोपहर का टाइम है और दोपहर को मम्मी के लिए चाय बना के लाई हूँ मैं। मम्मी को फीवर आ गया। मम्मी कैसी तबीयत है? बुखार है? नाप ले थर्मामीटर का। बुखार आ गया दादी को। नीचे आई, कह रही मम्मा मेरे से पहले मत जाओ, मैं जाऊंगा। खाली दवाई? अच्छा, और लोटी खाई और क्या खाया? थर्मामीटर का है, लाओ दादी का बुखार चेक कर। जीनू नहीं, मम्मा करेगी। जीनू कहाँ हो गया दादी को? बुखार आ गया। इन्यानवे, पहले कितना था? तो यार इस टाइम पे ना वायरल बहुत चल रहे हैं। तो दीदी को तो था ही फीवर पहले से, और पापा को भी आ गया था, फिर मम्मी को भी आ गया। तो घर में फिलहाल में ना ऐसे चल रहा है। पापा को तो ठीक हो गया, खैर उसके बाद ही फिर मम्मी को आया है। और मम्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अकड़ा मतलब शरीर वैसा हो जाता ना फीवर में, तो यार होता ही है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा दाब दो, और मुझे देख के ना जीनू भी फिर दाबने लग गई थी पैर। तो मम्मी ने उससे बोला कि सिर दाब दो आके। दादी का सिर दबा दो, जाओ और दबा दो। और यार जब कोई बीमार होता है ना, घर में ऐसे बीमारी चल रही होती है, तो ऐसा ना पॉजिटिव एनर्जी सी चली जाती है सारी, ऐसा सब कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ भी करना। तो ब्लॉग का मन नहीं करा था, बट फिर मैंने बना ही लिया। और जीनू इतनी मस्ती करती है ना, मतलब आधा टाइम पास तो ऐसे ही कर देती है वो, इसलिए नीचे आ गई हो, साथ में आ गई मेरे। वैसे मैं सोच रही थी ना लाऊं, बट वो पीछे पीछे आ गई, मानती तो है नहीं। तो मम्मी का भी टाइम पास कर रही है खूब, और मम्मी का सिर दाब देती है, फिर हट जाती है कि हाँ हो गया, बस इतना ही दाबूंगी मैं। और जीनू इतना भाग रही थी ना, उसको बहुत पसीना आ गया था, तो वही देख रही हूँ मैं। तो ऊपर ले जा रही हूँ मैं, बट ऊपर जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से गई है फिर। तो यार मम्मी की तबीयत भी डाउन हो गई, और मोस्टली ऐसे होता है घर में किसी एक को हो जाए ना फीवर या जुकाम, तो फिर सबको ही लगता है लाइन से। तो पापा को हुआ था फीवर, तो मम्मी को तो होना ही था फिर, तो इसलिए चाय दे दी। और अब मैं फ्री हो गई हूँ, टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है। और कल कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मन नहीं था, थोड़ा रेस्ट लेना था, फेस्टिवल पे थोड़ी थकान हो जाती ना, इसलिए मैंने कहा कल कोई व्लॉग नहीं बनाते, कल मैंने रेस्ट किया। और आज भी ना मन नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, ऐसा तो लगता ही है, बट ऐसे करती रहूँगी तो स्टार्ट ही नहीं हो पाता व्लॉग। तो मैंने कहा स्टार्ट कर देती हूँ, और बस चाय पी लेती हूँ फटाफट से, और इस जीनू को सुला देती हूँ। पहले दिमाग सर में दर्द करके रख दिया, लड़की ने कभी कुछ ऐसी मांगती रहती है। चाय में मैंने सब कुछ डाल दिया, लौंग अदरक जो भी मेरे पास था, काली मिर्च नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया, क्योंकि यार मेरे गले में भी ना ऐसा लग रहा था जुकाम की तरह नहीं होता, तो वैसे कुछ लग रहा है, तो मैंने इसलिए फिर सब कुछ डाल के चाय बना लिया। मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, आजकल वो मौसम ऐसा चल रहा है ना, वायरल वगैरह ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। देखो डब्बा लेके आ गई पूरा पॉपकॉर्न का, और पसीना देखो जीनू को कितने पसीने आ रहे हैं, इतना भागती है लड़की, इतना भागती है, पसीने छूट गए। देखो खाया
खा लिया सबने। मम्मी खा गया। मेरा खाओ, आप खाओ। नीचे भाग रही थी ना मम्मी, ने हल्का सा फैन चला रखा था, मम्मी को ठंड लग रही थी तो वहीं भाग रही थी, इतने पसीना टपक गए इसके बहुत सारे। तभी ना इससे चोटी वोटी बांध देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना, भागते दौड़ते तो इनको ज़्यादा पसीना निकलते हैं, तो इसलिए फिर मैं इसे ऊपर लेके आ गई। एसी ऑन कर दिया मैंने अभी। क्यों गिरा दिया, देखो फिर काम बढ़ा दिया। ये देखो सब गिरा दिया आपने। तो फिलहाल यार चाय वाय पी के फ्री हो चुके हैं, शाम का टाइम है और नीचे जा रही हूँ मैं खाना पीना बनाने के लिए। और हाँ यार, दिन में जीनू को भी फीवर आ गया था, मतलब बहुत तेज फीवर, मतलब ठीक था, 100 फीवर आ गया था उसे भी, तो फिर दवाई तो दे दिए फिलहाल में। तो मैंने कहा उसके बाल वाल कॉम कर देती हूँ, तो क्योंकि पसीने आते हैं ना उसके खुले बालों में, तो इसलिए मैं उसकी कॉम कर रही हूँ, चोटी बना रही हूँ। और ये यार स्मार्ट रिमोट लगा रखा है, अलेक्सा वगैरह के लिए कनेक्ट कर रखा है, तो जीनू के हाथ से ना गिर गया, ये डबल टेप से चिपका रखा है, तो वही चिपका रही जीनू। जीनू ने चिपका दिया, वो जुट गया था वह वो जुट गया था ना अलेक्सा का छोटा वाला, वही चिपका दिया। दिखाओ। मेरे को हटा दिया, कह रही मैं चिपकाऊंगा। ऐसे नहीं चिपकेगा, ऐसे चिपको, सही चिपका दिया इसने, ठीक है ऐसे चिपका, चिपका बस बस बस, वेरी गुड। यार जीनू को भी ना अभी फीवर आ गया था, मतलब सो के उठी तो उसका बहुत गर्म हो रही थी वो, मतलब मैंने नापा तो 100 फीवर था उसके, तो दवाई दे दी मैंने फटाफट रखी हुई थी डोलो, तो उसको डोलो पिला दी और 15 मिनट में असर कर गई, और अभी उसका फीवर एकदम गायब हो चुका है। तभी फुदक रही है इधर से उधर, बच्चों का तो होता ही है ना यार, जरा सा ठीक होता है तभी वो खेल में लग जाते हैं, तो वही लगी पड़ी है। अम्बड़ वड़ों की तो हालत ख़राब हो जाती है, बट बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, तो अभी तो नहीं है यार, अगर दोबारा आया फीवर तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल दवाई भी रखी है, पैरासीटामोल भी और डोलो क्रोसिन सब रखी हुई हैं, तो इनकेस दोबारा आता है तो फिर देखते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और वायरल ही चल रहा है यार, क्योंकि घर में भी हो गया तो बच्चा है ना, कहाँ तक बचाओ यार, उसको ऊपर नीचे भागती रहती है सबके पास, तो वायरल यार, मौसम सीज़न ऐसा, सीजनल फीवर वीवर आ ही जाता है कभी कभार, तो बस अभी तो फ़िलहाल में ठीक है। तो चलिए खाना की तैयारी करते हैं, खाने का टाइम हो गया। तो यार डिनर में आना आज खाने में मतलब मूंग की दाल बन रही है, क्योंकि फीवर वगैरह है मम्मी को भी, तो मम्मी ने कहा मूंग की दाल डाल दो, तो वैसे ही फ़ायदा करती है, तो इसलिए वही रख दी मैंने, फटाफट से बन जाएगी। और एक साइड में ये मैं बना रही हूँ काढ़ा, क्योंकि दीदी को भी जुकाम बुखार वो सब हो रहा है, तो इसलिए दीदी ने बोला काढ़ा बना दो, तो वही बना रही हूँ मैं। इसमें सब कुछ डाल के अदरक अदरक सब एक में ही कूट ली थी मैंने, लौंग अदरक काली मिर्च, और फिर अजवाइन लाए थे वैभव, तो अजवाइन भर रही हूँ मैं, उनका भर भी दूँगी और इसमें काढ़े में भी डाल दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि फ़ायदा करती है बहुत काढ़े में अजवाइन, तो इसलिए फिर ये भी बनता रहेगा साथ साथ। और जीनू की बोतल भी स्टेरलाइज करनी है मेरे को, तो एक चूल्हे पे जो है जीनू की बोतल रख देती हूँ, और बस इसके और आटा वाटा गूंद लेती हूँ, जब तक दाल बनेगी तब तक आटा लग जाएगा। और आलू मैंने इसी में डाल दिए दाल में, क्योंकि छोटे छोटे आलू थे तो एक दो सीटी में भी हो जाते हैं, तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ अलग से, यार क्या छोंकती फिर हूँ, वैसे भी बहुत वो काम हो जाता है, तो फिर मैंने मूँग की दाल में ही डाल दिया, तो वो भी बन जाएंगे, और काढ़ा बन के रेडी हो गया, तो दीदी को दे दिया। बस अभी चाय पे पानी के जो बर्तन हैं ये धो लूँगी, फिर दाल वाल में तड़का लगा के उसके बाद वीडियो को देखूँगी, वीडियो अपलोड करने पे लगानी मुझे जाके। तो ऐसे यार पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया कब रात हो गई, तो बस ऐसे निकल जाता है। और अभी तो दूध भी रखना है उबलने के लिए, एक साइड पे दूध रख दूँगी, और दीदी का फुल क्रीम आता तो वो भी उबालना है, जीनू के लिए काओ मिल्क मंगाते हैं तो अलग उबालती हूँ मैं। और बस मूँग की दाल में ये नॉर्मल तड़का लगा रही हूँ जीरे और हींग का, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। जीनू के लिए दाल मैंने अलग से पहले ही निकाल दी है, क्योंकि वो यार थोड़ी पी लेगी ना तो फ़ायदा करती है वैसे भी, तो पिला दूँगी उसे। और तैयारी यार मैं पहले ही कर देती हूँ, फिर जब पापा वगैरह आते हैं ना ऑफिस से, सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद ही फिर रोटी बनानी स्टार्ट करती हूँ। हस्बैंड तो खैर घर से ही, उनका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और पता नहीं अभी तक कब तक चलेगा भी, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। तो ये बस आलू बॉयल हो गए तो मैं इनको फ्राई कर देती हूँ, तवे पर ही फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े से आलू होते हैं तो इस पर हो जाते हैं फटाफट से। तो और एक गैस पर दूध रखा था ना, दूध भी बॉयल हो रहा है साथ साथ में। किचन में तो यार हम लेडीज़ का यही होता है, मतलब 10 काम हो रहे होते हैं किचन में एक साथ, तो यही चलता है, सबका यही हाल है।
और यार इतने में ना हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था कि जीनू का जो फीवर है बढ़ रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से तैयारी करके फिर जीनू को डॉक्टर के पास ले आती हूँ। डॉक्टर भी क्योंकि 7 या 7:30 या 7 o'clock से ऐसे भी कुछ बैठता है, तो हमने कहा उसे दिखा लेंगे जाके। तो रात में यार क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सही नहीं रहेगा, तो जीनू को ले गई थी मैं, तो मम्मी को भी साथ में ही ले गई थी। मैंने कहा मम्मी को भी बढ़ ही रहा है फीवर, तो रात में सही हो जाएगा, दवाई खा लेंगी, तो दोनों जनों को साथ ही ले आई थी मैं। और ये घर के बिल्कुल पास में ही है हॉस्पिटल, और जीनू को मोस्टली दवाई यहाँ की लग जाती है, मतलब ठीक हो जाती है वो यहाँ की दवाई खा के, तो इसलिए यहीं पर ले कर आते हैं और बस दिखा के ले जा रहे हैं वापस। तो मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी घर ले जाएंगी और मैं दवाई ले कर फिर बाद में आ जाऊँगी, ये दवाई दे देना। और यार फिर रात का टाइम हो गया, ये सब लोग खा पी के फ्री हो गए फिलहाल में। रोटी जिया ने सेक दी थी तो मुझे रोटी भी सेकनी पड़ी, और बाकी का बर्तन वर्तन वगैरह सब कुछ है भी वो कर लूँगी मैं बाद में, पहले मैं साफ़ कर रही हूँ किचन पूरी अच्छी तरीके से। और दवाई जीनू को दे दिए, एक तो यार वो कुछ खा नहीं रही, दिक्कत सारी है कि क्योंकि एनर्जी तो तभी मिलेगी जब वो कुछ खाएगी, तो कुछ खा ही नहीं रही है वो ये ना बुखार उसका थोड़ा सा कम होगा तो उसको कुछ खिलाते हैं, दूध तो बिल्कुल नहीं पी रही, उसको दूध देखते ही ना वॉमिटिंग हो जाती है, तो इसलिए जो वो मांग रही है वही फ़िलहाल मैं खिला रहा हूँ उसको। तो हस्बैंड ले गए हैं जीनू को ऊपर, जीनू उन्हीं के साथ में, तब तक मैंने कहा मैं फ्री होकर फिर आती हूँ ऊपर और फिर देखते हैं जीनू को कितना क्या फ़ीवर है चेक करके, क्योंकि यार बच्चों को फीवर हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो वो इतने बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो इतना कुछ कह भी नहीं पाती कि ठंड लग रही है नहीं लग रही है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर बर्तन वर्तन करके साफ़ करके फिर मम्मी को भी दूध दे दूँगी, क्योंकि फ़ीवर आ गया तो यार थोड़ी एनर्जी मिलेगी, पीती नहीं है वो, इनको जितना बोलो ना इतना बोलती मैं, सब लोग कहते हैं ना कुछ खाती हैं, ना फ्रूट्स खाती हैं, ना दूध पीती हैं, तो एनर्जी बताओ कहाँ से मिलेगी। और बुढ़ापे में यार वैसे भी दूध तो यार हड्डियों के लिए सही होता है, तो देखती हूँ पी लेंगी तो, क्योंकि उनको गैस वैस की दिक्कत होती है। तो मैं दूध लेके आ चुकी हूँ किचन से फ्री होके, पापा को दे दिया था। दवाई खा ली आपने? हाँ ये रात के, हाँ ये खा ली पेट के, ये रात में भी खा ली, ये 3 times पीनी है 7.5 ml। तो मम्मी को दवाई समझा रही हूँ दोबारा से कैसे क्या लेनी है, पहले तो समझा दिया था बट दोबारा समझा रही हूँ कि रात में पी लेंगी तो सही रहेगा, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ वापस ऊपर, बच्चों को भी दे देती हूँ और दही वगैरह भी जमा देती हूँ जो जमाना है, देखती है किचन में जाके। खाना मैंने थाली लगा दी अपनी, तो देखो मेरी थाली रखी है, तो ऊपर ले जाके तब खाऊंगी। और यार मलाई में जाउन लगा दिया था तो मैंने कहा इसको फ्रिज में रख दूँ वरना खट्टा हो जाएगा। और जीनू को ना दोबारा से फीवर की तरह लग रहा था कि फीवर चढ़ रहा है, तो इसलिए फिर डॉक्टर के पास ले गए और मैंने कहा दिखा के दवाई ले आते हैं। और जीनू जा रही थी तो मैंने कहा मम्मी को भी ले जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को तो ज़्यादा तेज़ फीवर आ रहा है, जीनू को इतना नहीं है बट है हल्का, मम्मी को बहुत तेज़ है। तो दवाई लेके आ गए, मम्मी फिलहाल कर रही आराम, सब एक साइड से बीमार पड़े। दीदी को तो खैर आ ही रहा था फीवर, और डॉक्टर ने भी ये बोला वायरल चल रहा है अभी फिलहाल में, तो मोस्टली अभी ये सीज़न चेंज हुआ है ना एकदम से, मौसम ठंडा गर्म इस तरीके का, तो इसलिए अभी जुखाम बुखार ये सब बहुत चल रहा है, तो थोड़ा बचाव रखने की ज़रूरत है, ठंडा पानी वगैरह सब कुछ मना कर दिया है। तो बस ये जीनू मैडम खेल रही है आराम से। जीनू डॉक्टर के पास किया था, डॉक्टर ने क्या किया था, कैसे चेक किया था जीनू को? ऐसे किया था, ऐसे लगा के चेक किया था। अभी लग तो नहीं रहा इसको, अभी थोड़ा सा उतर रहा है हल्का, चेक किया था तुमने? दूध पिया इसने कुछ? दूध नहीं पी रही, अब ये ड्रामे करेगी दूध नहीं पिएगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है जीनू को, जब बुखार वगैरह होता तो उसका मन नहीं करता दूध पीने का। अरे नहीं लगाना, बुखार चेक कर रही है मेरा। तो चलो यार ब्लॉग के एंड में यहीं पे कर रही हूँ मैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखो और मिलते हैं कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहो, जीनू की तरह बाय कर दो, किसी कर दो एक उंगली।